हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा जैसे जो हम प्लास्टर करते हैं उसमें प्लास्टर में क्या कमियां रह जाती हैं। तो हमारा जो है ऊपर जो दीवार उतर के आती है, उस दीवार के अलावा जो हम प्लास्टर करते हैं, जैसे नीचे जो हमारा जो प्लास्टर कट के आता है, ऊपर जैसे ऊपर दीवार करते हैं तो उसका प्लास्टर कट के आता है, उसमें हमारा जो नीचे आपने देखा होगा वो जल्दी रोना लग जाता है, जल्दी झड़ने लग जाता है, उसमें कारण क्या होते हैं, उसमें उसके कारण के आज मैं बताने वाला हूँ उसमें कारण क्या है, उसमें क्या दिक्कत आती है। तो दोस्तों उस वीडियो को आज फुल तरीके से बताऊंगा कि किसमें किस तरीके से आपको जब प्लास्टर करते समय आपको क्या किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ नहीं रखना है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम जब प्लास्टर करते हैं उसका किस तरीके से उसमें हमें क्या करना है। जो हमारा प्लास्टर सामने बचता है उसमें टाइम ओवर हो जाता है, उसका जो कटिंग नीचे आती है उसमें क्या थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो उसमें आपको करना क्या, उस वीडियो में आपको ट्विटर में बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अब मैं शुरू करने वाला हूँ आपको वीडियो। तो दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप जिस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, जैसे हमारी ऊपर वाली जो वॉल है, हमारा जो छत जाए हमारा पूरा कम्प्लीट हो चुका है, तो उसके अलावा हमारा इसमें जो कटिंग जो होती है प्लास्टर के, वो कट के नीचे आती है, तो उसमें क्या होता है उसका जो टाइम भी ओवर हो जाता है, जब हमारा प्लास्टर होता है उसका टाइम भी ओवर होता है, और प्लास्टर जो कट के नीचे आता है तो उसका जो रेशो है उसका कम हो जाता है, सीमेंट का जो है टाइम कम हो जाती है और टाइम भी उसका ख़त्म हो जाता है। तो आप जब हम नीचे जो दीवार हमारी बचती है उस पर हम प्लास्टर करने जा रहे हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि जैसे बॉल के ऊपर हम अगर घोला डाल रहे हैं तो उसमें करना क्या है, अगर बॉल के ऊपर घोला डाल रहे हैं तो आप बॉल के ऊपर घोला डाल रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको विशेष आपको ध्यान रखना है, जैसे जो प्लास्टर नीचे होता है उस पर आप घोल उसको डालते समय उसको विशेष रखना, आपको घोल उस पर डाल लेना है, मसाला जो नीचे होता है उसको क्या है कि उसमें हमारा जो सीमेंट का रेशो बढ़ जाता है, उसमें हमारी फुल तरीके से ताकत भी बढ़ती है उस मसाले के अंदर। तो आप क्या करते हैं, जैसे नीचे जो कटिंग होती है उसको ऐसे कैसे लगाते हैं, तो उसकी जो म्याद कम हो जाती है और उसमें सीमेंट हमारा ख़त्म हो जाता है, उसकी जैसे कैल्शियम जो होती है सीमेंट की वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आपको वैसे देखना है इस तरीके से आपको करना है काम, अगर हमारा जो बेस्टेज नीचे मसाला होता है उसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि जैसे नीचे जो प्लास्टर होता है नीचे गिरता है उसमें आप घोला डाल के, उसमें विशेष आपको ध्यान रखना है उसमें घोल डाल के उसको दीवार के ऊपर जब लगाएं, तो दोस्तों उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। आप ये कभी गलती नहीं करें, क्योंकि नीचे मसाला जो होता है उसको छोड़ देते हैं इसी तरीके से लगा देते हैं, तो इस तरीके उसको घोल डाल के उसको मिक्सिंग कर लें ढंग से, उसकी हमारी जो कैल्शियम उसकी बढ़ जाती है, रेशो बढ़ जाता है उसमें, तो उस तरीके से आप उसमें इस तरीके से लगा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।